हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन। जो फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का एक टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में आते हैं, लॉन्ग तो नहीं आएगा। इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है, इसका कुछ पॉइंट्स देखना है और एक चित्र देखना है, उसके बाद आप ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है देखते हैं। एक्चुअली ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो दिस रिएक्शन एक प्रकार का रिएक्शन है। तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग बिटवीन इलेक्ट्रॉस इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये एक प्रकार का रिएक्शन है जो कि क्या होता है इसमें जो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो आयन से बनते हैं हमारा, तो उस वो जो है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड्स मतलब कैथोड एनोड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो होते हैं गति करते रहते हैं, उसका ही हम अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। अतः द इलेक्ट्रो थस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील विथ द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, किस किस मेन रूप से डील करता है किसके बीच, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब जो हमारा और रासायनिक ऊर्जा और केमिकल चेंज और हाँ जो विद्युत ऊर्जा सॉरी जो विद्युत ऊर्जा और जो हमारा रासायनिक चेंज होता है किसी भी सॉल्यूशन में, उन दोनों के बीच जो है इंट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन, जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है, तो एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। ये जो है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप लिख सकते हैं यहाँ से। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, थस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील विद द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल चेंज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन जो है बहुत इसका प्रोसेस देखते हैं। तो आपको पहले ये चित्र समझना पड़ेगा, उसके बाद आप ये पॉइंट्स इजिली लिख सकते हैं। तो एक एक पॉइंट समझते हैं। व्हेन सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, गैसेस आर यूजली प्रोड्यूस। पहले देखिए यहाँ पे क्या हो, ये चित्र है हमारा, ये एपरेटस फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो हमारा एक यूज़ किया जाता है वो है। तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमारा भरा हुआ है यहाँ पे, और ये सॉल्यूशन है, और ये जो है हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एनोड और ये कैथोड्स जो कि बैटरी से जुड़े हुए हैं, और ये सॉल्यूशन है हमारा। तो जब इस सॉल्यूशन में इधर से बैटरी से विद्युत जाएगा, इधर से इलेक्ट्रोलाइट से जो एनर्जी आएगा, तो उससे जो है एक्चुअली क्या होता है, फिर इसके बाद जो है सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बैटरी से, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, यहाँ पे विद्युत भेजा जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाएगा। तो वही बोला है ये पॉइंट कि व्हेन सॉल्यूशन जो होता है आर इलेक्ट्रोलाइज, गैसेस आर यूजली प्रोड्यूस। मुख्य रूप से गैसेज जो है हमारा प्रोड्यूस हो जाते हैं जब ये इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, द गैसेज प्रोड्यूस कैन बी कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब टू बी आइडेंटिफाई लेटर बाय सिंपल टेस्ट। तो ये जब इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा तो हमारा गैस जो प्रोड्यूस होगा, इस गैस को हम जो है बाद में जो है मतलब इसको कलेक्ट कर लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद इसको जो है टू बी आइडेंटिफाई लेटर बाय सिंपल टेस्ट। सिंपल टेस्ट के द्वारा हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस गैस को, ठीक है। ये जो गैस प्रोड्यूस होता है इसको बाद में, इसको पहले टेस्ट ट्यूब में हम कलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद इसको बाद में हम जो है सिंपल टेस्ट के द्वारा इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही बस सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन का, बहुत इजी होता है एक्चुअली। सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं सॉल्यूशन को, तो ये जो गैस बनता है फिर गैस के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअली। फिर थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। इस सॉल्यूशन, ये जो प्रक्रिया है ये कॉम्प्लिकेट है, मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन। ये हम सॉल्यूशन का कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन मीन्स वाटर और जो हमारा जैसे कि मान लो NaCl और वाटर को मिला के जो है हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है देन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन। मॉल्टन के इलेक्ट्रोलाइसिस से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मॉल्टन मतलब जो पिघला हुआ कोई पदार्थ ले रहे हैं ओनली, हम जैसे NaCl का ही मान लो अगर कोई पिघला हुआ पदार्थ ले लेते हैं, उसमें वाटर ऐड नहीं करते हैं, तो उसका ईजी होता है हमको इलेक्ट्रोलाइज करना, लेकिन ये सॉल्यूशन का जो है इलेक्ट्रोलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बस वही बता रहे हैं। बिकॉज द प्रोडक्ट एट द इलेक्ट्रोड्स कैन कम फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज फ्रॉम वाटर। मतलब जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट है हमारा, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा ये गैस जैसे यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, तो ये द प्रोडक्ट एट द इलेक्ट्रोड्स कैन
कम फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज फ्रॉम वाटर। जैसे इलेक्ट्रोलाइट से हमारा, जैसे मतलब यहाँ पे सिंपल सा बता रहा है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, ये जो कैथोड्स या एनोड्स हैं, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ये कहाँ से, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट से भी आ सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट से भी आ सकते हैं, जैसे कि पानी से भी आता है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है सिंपल सा कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो अगर सॉल्यूशन का करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड्स के जगह जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे कभी कभी जो है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में काम करने स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण जो है हमारा सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, किसे मॉल्टन की अपेक्षा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बस ये सिंपल सा इस टॉपिक का एनालिसिस था, बहुत सिंपल है, आप इजीली समझ जाएंगे, इसका कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसका बेसिक ये इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, उसके बाद ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं और ये चित्र आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बस सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरी है, 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। तो बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस, और बता दूं कि इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना नोट्स है मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। अधिवाहकल थ्योरी, ओन्सागर इक्वेशंस, आप नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, और आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल होता हो, यूजफुल है आपके लिए ये नोट्स, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।